पेंशनर्स दिवस के अवसर पर पेंशनर्स गोष्ठी का आयोजन जिला परिषद रोड स्थित जिला पंचायत के सभागार में किया गया। गोष्ठी में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कोषाधिकारी जनार्दन प्रसाद पांडे, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, ट्रेजरी ऑफिसर जिज्ञासा श्रीवास्तव, सहायक लेखाधिकारी केशव लाल सहित विभिन्न विभागों के पेंशनर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 17 दिसम्बर को शासन द्वारा पेंशनर्स दिवस मनाए जाने का निर्देश दिया गया था तथा पेंशनर की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने की भी मांग की गई थी। इस मौके पर पेंशनरों ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उसके निराकरण की मांग की। इस दौरान लगभग 20 पेंशनरों को सम्मानित भी किया गया। पश्चिम बंगाल में ही पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू रह गई, होंगे उनकी दशा क्या होगी, उनके परिवार की दशा क्या होगी, पूरी की पूरी पेंशन व्यवस्था के लिए वो अर्हकार होंगे। और जो लोकतंत्र सेनानी है, इमरजेंसी में बंद हुए, 30 साल की सेवा करते हैं, 35 साल की सेवा करते हैं, 33 साल की सेवा करते हैं, 30 साल की सेवा करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ झंझावातों के वातावरण को बर्दाश्त करते हुए फिर भी सरकार नवानुकूल परिस्थितियों के कारण हमारे इस परिस्थिति को सोच नहीं रही है। सेवानिवृत्त होंगे, हमारे जीवन की स्थिति क्या होगी, क्योंकि रिइंबर्समेंट की व्यवस्था सरकार ने किया, इसके लिए सरकार को मैं बधाई जरूर देना चाहता हूँ। लेकिन संस्था तो कर दी, लेकिन जब मेडिकल रिइंबर्समेंट के सीएमओ के कार्यालय में तो क्या स्थिति होती है। एक प्रॉब्लम बना कि बार बार हम लोगों ने ध्यानाकर्षण किया सीएमओ का, बार बार हम लोगों ने कहा कि पेंशनर के साथ ये जो समस्याएं हैं, जो इंगित कर रही हैं, ये धरना दोहन की नियत से जो है आकर्षित कर रहा हूँ कि जरा उनसे भी इस निवेदन को हम लोगों की तरफ से करेंगे कि कम से कम सीएमओ साहब से वो कहें कि जो जरूरी हो शासनादेशानुसार हो वही आपत्ति लगाई जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था के साथ ही साथ चिकित्सा व्यवस्था की है और साथ ही साथ कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था की भी हम मांग करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसी पीजीआई के द्वारा जिन लोगों की चिकित्सा की जाती है वो बिना भी सीएमओ को काउंटर सिग्नेचर के लिए जा रही है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक उच्च संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा जो संचालित होती है उसके द्वारा जो चिकित्सा की जा रही है उसके संदर्भ में भी सीएमओ से काउंटर सिग्नेचर के लिए भेजा जा रहा। सरकार से हम लोगों की मांग है कि उस व्यवस्था को रुपया समाप्त करके जहाँ जैसी पीजीआई हो, चाहे डॉक्टर रामन और लोहिया अस्पताल से या एम्स से कोई दवा हो रही है तो उसको इस संबंध में छूट प्रदान कराई जाए। इसी तरीके से ये संग्रह कुछ स्थानीय समस्याएं भी हैं, जैसे संग्रह हमारे बेचारे जो गोरखपुर जनपद के हैं उनको उच्च वेतनमान के रूप में 10,000 का वेतन तो दे दिया गया, उन्हें पेंशन का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अफसोस की बात है जो एरियर उनको मिलना चाहिए, बकाया वेतन मिलना चाहिए, आज तक उनको नहीं मिला, जबकि गोरखपुर मंडल के अन्य जनपदों में वो एरियर मिल चुके हैं। हम लोगों की यह भी डिमांड है कि 65 साल, 70 साल, 75 साल पर जो हम लोगों को पेंशन मिल रहा है वो 5%, 10%, 15% बढ़ाया जाए, क्योंकि 80 साल पर ही 20% बढ़ाए जाने की व्यवस्था है। हम लोग मांग करते हैं कि ये जो 5, 10, 15 का एक बैरियर है उसको उठाया जाए और उस पर भी पेंशन का लाभ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। उनके कार्यालय का अगर वो नहीं सुनते तो उनके कार्यालय का घेराव करवा के जबरदस्ती उनसे काम करवाने की पेपर पर इच्छा कराई जाएगी। हमारे बीच जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मानित अपर जिलाधिकारी शुरू करेंगे तो मोबाइल बनाओ।